अस्सलाम वालेकुम सुप्रभात। कक्षा दसवीं से आगे के भाग में आधी कहानी हमने सुनी है सपनों के से दिन की। संजय का दूसरा चैप्टर सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह, जो पंजाब के नानका गांव में पत्ता जिला के बरनाल के रहने वाले हैं। वो अध्यापक थे और उनकी आत्मकथा का एक अंश हमने आधी कहानी सुनी है। इस आधी कहानी पूर्ण होने के बाद मैं आपको ऐसे पाठ का सार टुकड़ों में समझाऊंगा, जैसे बच्चों का खेल, प्रेम, लेखक का बाल्यकाल। तो आपने जो पहले भाग में देखा कि बच्चों का खेल प्रेम, लेखक का बाल्यकाल, ये आप दो चीजें देखिए। लेखक ने बताया है कि पहले तो पृष्ठभूमि समझा देता कि लेखक भी एक गरीब परिवार से है, कि जैसे आप किसी भी शहर में जाओ किसी शहर में आप देखना कि उत्तर प्रदेश, बिहार या साउथ से, कहीं से भी, पंजाब से, कहीं से भी लोग जो मजदूरी करने आ जाते हैं उनकी एक अलग बस्तियां बन जाती है। अब उस बस्ती में सभी अलग अलग राज्यों के लोग अपना परिवार चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए आते हैं। सारों जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से जो लोग आते हैं उनकी बोलियां अलग अलग, पर अलग अलग बोलियां होने के बावजूद, एक दूसरे की बोली समझ में ना समझ में आने के बावजूद भी बच्चे खेलते साथ, क्योंकि खेल एक होता है और खेल के इशारों से सब समझ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की भावनाएं सब एक समान है। लेखक ने एक बार ऐसा कहा कि अध्यापक, जैसे बीएड करते हुए अध्यापक, टीचर बनते हुए जो उन्हें पढ़ना पड़ता है उसमें बाल मनोविज्ञान पूरे पढ़ाया जाता है। इसीलिए टीचर की जॉब आपको करनी है तो आपको बीएड करना पड़ता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब उसमें कैसे पढ़ा रहा है ये तालीम तो दी जाती है, पर बच्चों के साथ उनके मनोविज्ञान समझते हुए उनके साथ कैसा रहना वो भी समझाया जाता है। जब आप बड़े होंगे, कई बच्चे इनमें से टीचर बनने के लिए बीएड करेंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तब आपको ये पढ़ाया जाएगा, तब आपको मेरी ये बात समझ में। अभी पहला इस पहले बार में आपने देखा कि बच्चों का खेल प्रेम, कि बच्चों को खेल सबसे ज्यादा पसंद होता है, उन्हें स्कूल एक गेम लगता है, उन्हें लगता है कि बस हम खेलते ही रहे। जैसे कोरोना महामारी नहीं आई थी, आप घर में नहीं बैठे थे, तब तक आप सबकी, ज्यादातर बच्चों की रुचि इसमें थी, घर पे रहना, टीवी देखना, मोबाइल के साथ गेम खेलते रहना या बाहर दोस्तों के साथ घूमना, आपको ये स्कूल का समय जेल जैसा लगता है ज्यादातर बच्चों। पर जब से कोरोना महामारी आई, आपको घर बैठना पड़ा, तब ज्यादातर बच्चों को स्कूल का जो आनंद है, ज्यादातर बच्चे स्कूल मिस करने लगे, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि स्कूल क्या है, स्कूल में जो सीखने को मिलता है, स्कूल में जो सबको मिलना होता है, स्कूल में जो मजा आता है वो आपको घर रहकर आता। तो स्कूल की वैल्यू, स्कूल का महत्व इस महामारी ने, इस बीमारी ने आपको बता दिया होगा। अगर इस महामारी के दौरान आप घर बैठे हैं और आपको घर बैठने के बाद स्कूल का महत्व, पढ़ाई का महत्व आपको समझ में आया है, तो समझना कि बहुत सारे माइनस पॉइंट के बावजूद एक प्लस पॉइंट ये है कि इस महामारी ने आपके अंदर कुछ बदलाव। आगे का समझाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस कहानी को, जहां से आपने पहले भाग में देखा से देखा है, वहां से आगे हम देखते हैं। प्रकृति से बहुत अधिक जुड़ा होता है, प्रकृति किसानों का दबाव
उसके बाद उन्होंने पार्ट में लेखक पार्ट में मास्टर प्रेमचंद के निलंबन के बारे में बताया कि किस प्रकार उनका निलंबन हुआ। लेखक जब चौथे कक्षा में पहुंचे तब एक दिन फारसी की हिंदी में शब्द रूप ना समझाने के कारण मुर्गा बनने की सजा पीटी मास्टर प्रेमचंद के द्वारा दी गई। फिर मास्टर जब यह दृश्य देखा तो प्रेमचंद को निलंबन पाठ का अगर सार देखने जाए पाठ की हर एक पंक्ति में पढ़ने जाओ तो वीडियो 50 मिनट का होगा। तो मेरी आपकी गुजारिश है कि मैंने दो भागों में जितना भी आपको सुनाया है उसी पाठ का सार, तो आप पाठ को पूर्ण रूप से शुरुआत से अंत तक हर एक शब्द हर एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इस पाठ में आपका मनोरंजन होगा, दूसरे विषय को आप पढ़ के थक गए होंगे तो इसको सुनकर इसको पढ़कर आप एंजॉय कर पाओगे। और मैं तो कहता ही हूं कि साइंस और मैथ आपका मस्तिष्क का विकास कर सकते हैं, पर अगर आपकी आत्मा का विकास करना मतलब आप एक अच्छे इंसान बनना है तो आपको थियोरिकल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी अंग्रेजी अरेबिक, ये सारे सब्जेक्ट से आप जाने अनजाने वो बातें सीखेंगे कि आपको एक अच्छा मनुष्य अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता बने। तो आने वाले तीसरे भाग में मैं वीडियो के जरिए नहीं और खुद ऐसे पाठ में आपको पाठ समझाऊंगा। धन्यवाद।